हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई हैं। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको किसी का 30-40 हज़ार या 50 हज़ार का बिल बताने वाला हूँ, ना मैं आपको एमपीबी का किसी तरह का कोई घोटाला बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जिसके लिए मैंने, मेरे भाई ने पूरे 7 से 8 महीने संघर्ष किया। ये है मेरे उपभोक्ता फोरम की जीत की रिपोर्ट। जी हाँ, ये वही रिपोर्ट है जिसको हासिल करने में मुझे 7 से 8 महीने की मेहनत लगी। एमपीईबी के कर्मचारियों को और अधिकारियों की पोल खोलने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरे जितने रास्ते बंद करे, मेरी जितनी कंप्लेंट बंद करी, मेरी याचिका खारिज करी, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके करते करते मैंने हार नहीं मानी। मैं करता चला गया। मैंने 50 से 100 लिखित कंप्लेंट कर चुका हूँ और मेरे ऑनलाइन कंप्लेंट की कोई गिनती नहीं है। पूरे 7 से 8 महीने मैंने कितनी कंप्लेंट करी है वो मैं और मेरा भाई ही जानते हैं। बहुत मेहनत के बाद मुझे ये 4 पन्नों का जो है रिजल्ट मिला है उपभोक्ता फोरम का। इसको मैं पब्लिकली शेयर करूँगा ताकि बाकी लोग जागरूक हो सकें कि एमपीबी के कर्मचारियों, मतलब विद्युत मंडल के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर आप केस करते हैं तो किस तरह से डिसीजन आता है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ करना पड़ती है, इसके ऊपर से मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए है कि मैं एमपीईबी का केस जीत चुका हूँ और मेरा जो गुमास्ता नगर का विद्युत मंडल का जोन लगता है उसमें जब मैंने केस किया था तो हमारे जोन के AE मिस्टर राकेश उपाध्याय, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट 7 पेज की एक रिपोर्ट पेश करी थी, मैंने उसकी एक एक लाइन का जवाब दिया है, इनकी एक एक रिपोर्ट का मैंने जवाब दिया है और इनको हर जगह मैंने गलत साबित किया है, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता फोरम ने मेरी अपील को माना और इनको हर तरह से गलत मानते हुए उस बिल को ही खारिज कर दिया जो 6022 रीडिंग का इन्होंने बिल मुझे एक ही महीने के अंदर भेजा था, जिसके अंदर औसतन देनी यूनिट 201 पर डे, जो कि किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। एमपीबी गुमास्ता नगर जोन के AE उस बिल को ही प्रूफ नहीं कर पाया जो कि उन्होंने खुद मेरे घर दिया था और जिसको साबित करने के लिए मेरे को 7 से 8 महीने का टाइम लगा। मैंने अपने जीवन के 7 से 8 महीने उस चीज़ में वेस्ट किए जिसके पूरे जिम्मेदार विद्युत मंडल के कर्मचारी और बाकी अधिकारी थे। गुमास्ता नगर जोन के AE मिस्टर राकेश उपाध्याय ने, मैंने इनको शुरुआत से ही हर सबूत दिखाए कि आपके और आपके कर्मचारी की गलती है। इन्होंने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। CM हेल्पलाइन में मेरी 3 कंप्लेंटों को बंद कर दिया गया। मेरी लिखित कंप्लेंट इंदौर के विद्युत मंडल के हर डिपार्टमेंट में मेरी कंप्लेंट है। मेरी हर कंप्लेंट की रसीद मेरी साइट पर, रेफरेंस नंबर ऑनलाइन कंप्लेंटों को मेरी साइट पर मैंने पब्लिकली शेयर किए हुए हैं। किसी भी तरह से आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। इन्होंने कहीं भी अपनी गलती नहीं मानी थी गुमास्ता नगर जोन के AE ने, लेकिन मेरी 7 से 8 महीने की मेहनत में आखिरकार ये लोग केस हार चुके हैं। इसकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा और मेरी साइट पर इसको मैंने शेयर किया हुआ है। मेरी साइट की लिंक है mpbcorruption.in, जिसमें मेरे अलावा और बहुत से उपभोक्ताओं के भी बिल और रिपोर्ट्स अभी उस पर अपलोड हो रही हैं, जिसमें कि जैसे मैंने इनको 7 से 8 महीने के अंदर एक एक रिपोर्ट मैंने इनकी गलत साबित करी, एक एक रिपोर्ट मेरे अगेंस्ट, हर रिपोर्ट को मैंने इनकी गलत साबित किया और ये कहीं पर भी अपनी एक रिपोर्ट को भी सही साबित नहीं कर पाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जिस हिसाब से ये सिस्टम चलता है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने का, उसका सही तरीका मालूम नहीं होने की वजह से 7 से 8 महीने का मैंने अपनी लाइफ का टाइम अपने काम धंधे को डिस्टर्ब करके कुछ दिन तो मैंने मेरा शॉप ही ओपन नहीं करी इनकी वजह से, क्योंकि मुझे इनके अफसरों के केबिन के बाहर वेट करना होता था क्योंकि मुझे पता नहीं था। इसीलिए जैसे मैंने अपना टाइम ख़राब करा कि उस वैसे कोई और टाइम ख़राब ना करे,
और उन बाकी बचे हुए लोग जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम या फेस कर रहे हैं या आगे आ सकती है, उन लोगों को जागरूक करने के लिए मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। जैसे मैंने 7 से 8 महीने का टाइम ख़राब किया, वैसा मैं अपने इंदौर शहर में और उसके बाहर भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी आम इंसान को विद्युत मंडल के लिए परेशान नहीं होने दूंगा, जिसमें कि आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं हैं। मैं बिजली चोरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन ईमानदार कंज्यूमर के फेवर में बोल रहा हूँ जो ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 24 आवर्स में अपनी वेबसाइट पर, अपनी ईमेल पर आपको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। आपको हर तरह की वो मदद करूँगा जो मैंने 7 से 8 महीने के अंदर नॉलेज जो मैंने गेन किया है अगेंस्ट MPEB विद्युत मंडल। MPEB मतलब मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसलिए मैं उसको बार बार MPEB बोलता हूँ। पर बाकी मुझे मध्य प्रदेश के बाहर के भी लोगों की मेरी साइट पर मुझे मेल और मैसेज आते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो अभी फ़िलहाल में मेरा केस सॉल्व हुआ है और उससे मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, तो अब बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरी आगे आने वाली वीडियो में 4 से 5 वीडियो के अंदर ही मैं पूरी मेरी 7 से 8 महीने की स्टोरी को ख़त्म कर दूंगा, जिसमें कि आपको वो जो मैंने 7 से 8 महीने में नॉलेज गेन किया है वो सिर्फ 4 वीडियो के अंदर आप पूरा सीख जाएंगे। और किस तरह से आपको कंप्लेंट करनी है, किस तरह से कहाँ पर क्या करना है, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि जिस उपभोक्ता फोरम में मैंने ये केस किया था, जो ये उपभोक्ता फोरम जो है ये वो उपभोक्ता फोरम नहीं है। मैं एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये वो उपभोक्ता फोरम नहीं है जहाँ पर आप खरीदी बिक्री या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट करते हैं, जिसके लिए आप एडवोकेट वगैरह और जो बाकी पूरी प्रोसीजर होता है, ये वो वाली उपभोक्ता फोरम बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, क्योंकि ये उपभोक्ता का जो फोरम है ये विद्युत मंडल के अंडर में ही आता है। ये जो है विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के नाम से है। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि आप किसी भी जोन में जाकर के अगर किसी भी AEJ या किसी कर्मचारी से उपभोक्ता फोरम की अगर बात करेंगे तो आपको वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इवन वो आपको इसका एड्रेस भी नहीं बताएंगे कि ये कहाँ पर है। उस चीज़ के लिए आप मेरी साइट पर जाइए, वहाँ पर मैं इसका पूरा डाटा 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। आपको वहाँ से इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में विद्युत मंडल के कहाँ कहाँ पर कितने उपभोक्ता फोरम के सेंटर हैं, केंद्र हैं, जहाँ से आप इनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। विद्युत मंडल इंडियन गवर्नमेंट का एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर 0 से लेकर के 100% तक उपभोक्ता कहीं भी जिम्मेदार नहीं होता है। कनेक्शन लगने से लेकर के बिजली के उपकरणों का, मतलब जो पोल पे खंभे, पोल वगैरह और मीटर वगैरह और जो बाकी जो बाहर है विद्युत मंडल के ट्रांसफार्मर वगैरह, उसका टोटली मेंटेनेंस 0 से 100% पूरी जिम्मेदारी विद्युत मंडल की होती है। उपभोक्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अपने घर के अंदर आप जो यूज़ करते हैं उसके ऊपर है, बाहर लेकिन पूरा विद्युत मंडल का है। तो किसी भी तरह से अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई समस्या होती है, कोई खामी होती है, तो उसके जिम्मेदार विद्युत मंडल वाले होते हैं। लेकिन जब आप कंप्लेंट करते हैं तो विद्युत मंडल वाले आपको ऐसे ब्लेम करते हैं जैसे आपने गलती करी, आपने केबल सही नहीं लगे, आपने मेंटेनेंस सही नहीं किया, आपने रीडिंग नहीं ली, ये आपको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। मतलब आपको ऐसे फेस करना होता है जैसे कि आपकी गलती की वजह से आपका बिल ज़्यादा आ गया। किस तरह से विद्युत मंडल के कर्मचारियों की और अधिकारियों की गलती की वजह से आम जनता को अपनी मेहनत की कमाई तो ख़राब करनी ही पड़ती, मतलब वेस्ट, वो देखा जाए तो एक तरह से वेस्ट होता है।
और जो टाइम खराब होता है जिससे आप अपना काम धंधा रोजमर्रा का काम जो भी आप करते हैं, जो रोजगार, कोई ऑफिस वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई कहीं नौकरी करने वाला है, तो वो अपना जो टाइम है वो खराब करते हैं। उसके लिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों में अपना टाइम खराब ना करें जो आपका टाइम आपके और आपके परिवार के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए, ऐसे विद्युत मंडली कर्मचारियों के लिए जो कि अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं और उसकी सज़ा हम भुगतते हैं। आगे मैं आपको 4 से 5 वीडियो के अंदर एमपीबी के विद्युत मंडल के सारे घोटाले खोल डालूंगा, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से ये आम जनता को लूटते हैं। ऐसी 3 से 4 वीडियो के अंदर मैं इनको टोटली ख़त्म कर डालूंगा, मेरी बनाई हुई वीडियो से। आपको या आपके किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि और अभी बहुत लोग हैं जो जिनको अभी ज़रूरत है उनको जागरूक करने की, ताकि वो एमपीईबी के विद्युत मंडल के कर्मचारियों की गलती की सज़ा ना भुगते और अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को ऐसे वेस्ट ना होने दें, ऐसे कामों में जिसके आप जिम्मेदार ही नहीं है, जिसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और YouTube पर आप इसको सब्सक्राइब करें या नहीं करें, मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है। मैं YouTube पर पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं मेरे और मेरे जैसे बाकी परेशान लोगों को जागरूक करने के लिए YouTube पर आया हूँ, ताकि जैसे मैं परेशान हुआ ऐसे आप परेशान ना हो। और बस मैं यही कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, जिनको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, ताकि अब जो लोग ऐसे हैं बिल भर चुके हैं, उनकी गलती की सज़ा भुगत चुके हैं, उसके अलावा भी जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों जो अभी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को देखकर भी गाइडेंस मिलेगा।